भीम आर्मी अध्यक्ष मंजीत नौटियाल पहुंचे औरैया के गांव बहादुरपुर, परिवार को दी सांत्वना। औरैया में एक बार फिर दलित की हत्या के मामले ने भीम आर्मी के मंजीत नौटियाल पहुंचे, बड़ी संख्या में अपने लोगों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने। वहीं पीड़ित परिवार को दिलाया न्याय का भरोसा, जहां भीम आर्मी के मंजीत नौटियाल ने साफ साफ कहा, अगर प्रशासन 20 तारीख तक कार्यवाही नहीं करती तो बचे हुए लोगों पर, तो 21 तारीख को औरैया में हम आंदोलन करेंगे। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। दलितों, आदिवासी, मुस्लिम, किसी को दबने की जरूरत नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर आज दलितों की सरकार होती तो क्या हत्याएं होती? आपको बता दें, 22 जनवरी को औरैया जिले के सहार थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में एक दलित को फावड़े से काट कर हत्या कर दी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया था। वहीं दलित परिवार के द्वारा अन्य के खिलाफ भी तहरीर दी गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। उप संपादक विमल पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद साहिब। क्या है ये मामला? देखिए, औरैया में एक दलित युवक की फावड़े से गला काट कर हत्या की गई थी। उस संबंध में आज हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज गांव में पहुंचे थे, और फिर परिवार को लेकर आज एसपी औरैया से इस संबंध में वार्ता हुई, और जो भी इसमें दोषी हैं इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन सब चीज़ों पे चल रहा है। बाकी जो परिवार की लिए जो सशस्त्र लाइसेंस की हमने डिमांड रखी है, और डूडा योजना के तहत में जो आवास वहाँ मिलना होता है, सरकारी आवास, क्योंकि परिवार ये चाहता है कि हम लोग अब गांव में नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ दहशत का माहौल है, तो हम परिवार को ऐसी जगह नहीं रखना चाहते कि जहाँ पर फिर परिवार की हत्या हो या फिर कोई चीज़ें सब चीज़ आगे बढ़ें। तो एक आवास योजना के तहत सरकार सिटी में एक उनको घर मिल जाए और एक सशस्त्र लाइसेंस उनको मिल जाए, और बाकी ज़मीन का पट्टा और इनकी पेंशन के लिए इस संबंध में बात हुई है, और बाकी जितने भी दोषी हैं इसमें गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत जल्द बाकी के लोग गिरफ्तार होंगे।